हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन सोल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है, मेरे लिए तो है एंड आई होप कि आपको भी ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टिपिकल ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन ज्वेलरी। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि मैं मराठी मुलगी हूँ, दैट मीन्स आई एम महाराष्ट्रियन गर्ल। महाराष्ट्र में इतना रिच कल्चर है और इतनी वैरायटीज़ ऑफ ज्वेलरी, क्लोदिंग, इवन इन रेसिपीज़। आज हम कवर करने वाले हैं ज्वेलरी सेक्शन। बहुत सारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी मेरे पास है और मैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ज्वेलरी क्या है, देन मैं आपको उन सब ज्वेलरी के नाम और मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कि वो किस तरह से पहने जाते हैं या कहाँ पहने जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी आप लोगों ने सारी ज्वेलरी देख ली है, अभी मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस नेकलेस से। ये इस तरह से पर्ल से बना हुआ होता है और इसमें आपको कलर्स भी मिल जाते हैं अलग अलग। इसका नाम है चिंसपेटी और मेरे पास ये ग्रीन कलर में है और इसमें आपको एक पिंक शेड भी मिलेगा। और ये इस तरह से चोकर टाइप ऑफ नेकलेस होता है, ये इस तरह से टाइट रहता है। ये है चिंसपेटी और इसके साथ इयररिंग्स भी है जो कि ये है। ये टिपिकल ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन, ये हर लड़की के पास लगभग होता ही है। ये है चिंसपेटी। देन एक ये है, ये नेकलेस है, इसे कहते हैं ठुशी, ये ऐसे भी बहुत फेमस है। ये अमेज़ॉन पे भी आपको मिल जाएगी, ये प्योर गोल्ड में भी मिलती है और आर्टिफिशियल भी मिलती है। ये भी चोकर की तरह ही इसे पहनते हैं, टाइट होता है बिल्कुल। और मैंने कुछ मेकअप लुक किया है जिसमें मराठी मुलगी का भी मेकअप लुक किया था, तो उसमें भी आपको इसमें से बहुत सारी ज्वेलरीज जो मैंने पहनी है वो आप देख सकते हैं। और ये ठुशी है और इसके साथ जनरली दिस टाइप ऑफ इयररिंग वियर करते हैं। और इसमें आपको अलग अलग अभी टाइप भी मिलेंगी, जैसे सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, थोड़ा मोटा ऐसे भी मिलेगा। ये मेरा डबल लेयर का है, एक्चुअली ट्रिपल है, इसमें थर्ड भी छोटी छोटी मोतियों की एक रो है। और ये बहुत लाइट वेट होता है क्योंकि ये पूरा मोतियों से बनता है। इस तरह का है और ये जो कलर है स्टोन का, तो ये बहुत कॉमन होता है। आइदर आपको, जैसे मैंने इसके पहले वाले में ग्रीन दिखाया तो वो कलर मिलता है, या फिर ये और वाइट। ये बहुत टिपिकल कलर्स है और इसके साथ इस तरह की इयररिंग्स पेयर की जाती है। तो इसे कहते हैं कुड़िया और ये आपको मोतियों में भी मिल जाएंगे। मोती होते हैं चार पांच ऐसे सर्कल में और सेंटर में आइदर मोती होगा या फिर यही पिंक, ग्रीन और वाइट कलर के स्टोन। इस तरह से इसमें भी पिंक कलर का स्टोन है। इसे हम डाळिंबी कलर कहते हैं, इसका मतलब जो अनार होता है, पोमोग्रेनेट, उस कलर का ये होता है स्टोन। इस तरह से, और ये अभी गोल्डन मोतियों में है, ये पर्ल में भी मिल जाता है। ये भी बहुत एकदम टिपिकल महाराष्ट्रियन ज्वेलरी है। देन इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये है लक्ष्मी हार। ये आपको साउथ इंडिया में भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी ये बहुत कॉमन है और ये इस तरीके से लंबा हार होता है। ये इस तरह से पहनते हैं। ये वाला मैंने यूज़ किया है मेरे मेकअप लुक में, तो अगर आपको अच्छे से देखना है, अभी वो मैं ठीक से दिखा नहीं पा रही और ऑफकोर्स क्लोदिंग का भी फ़र्क पड़ता है। इसका पूरा गेटअप भी ट्रेडिशनल आप अगर क्लोदिंग पहनो तो उसी के साथ आता है। ये एक है लक्ष्मी हार, इसमें छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं और इस हर एक कॉइन पर लक्ष्मी माता का एम्बॉसिंग सा वो होता है, क्या कहते हैं, चित्र होता है।
सो ये इस तरह से लक्ष्मी हार है। देन मैं आपको दिखाऊंगी मेरा फेवरेट, ये है वज्र टीक, और ये इस तरह से धागे पर वर्क होता है, और ये बहुत क्या कहते हैं स्टर्डी है, ये बहुत सुंदर। आप अगर सिर्फ ये भी पहनो तो भी इतना रॉयल लुक आ जाता है। ये भी इस तरह से चोकर है, सो अगर आप ये अकेला भी ये पहन लो तो भी बहुत ही एकदम रॉयल एंड ट्रेडिशनल लुक आ जाता है। सो ये इस तरह का है, और इसके साथ मुझे इयररिंग्स मिले थे ये वाले, सो ये पूरा सेट है। देन मैं एक आपको यहाँ जो मैंने पहले दिखाया उसमें मैं एक दिखाना भूल गई थी, क्योंकि ये मेरा न्यू परचेस है, मैंने अभी जनवरी में ही ख़रीदा है, लेकिन पहनने का कुछ मौका ज़्यादा मिला नहीं। सो ये है एक, इसे कहते हैं तन मणि, ये भी बहुत ब्यूटीफुल पीस है, ये पूरा मेरा न्यू है, देखिए। सो इसमें भी आपको कलर ऑप्शन, ये पूरा वाइट स्टोन में आता है, ग्रीन में आता है, और ये वाला पिंक कलर में आता है, मैंने पिंक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन लिया। ये भी बहुत बहुत सुंदर दिखता है, इसे तन मणि कहते हैं, और ये लंबा आता है थोड़ा, ये चोकर नहीं है, इस तरह से ये आता है, लेकिन ये साड़ी के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। देन मैं अभी आपको इयररिंग्स दिखाती हूँ। ये है झुमके, ये बहुत कॉमन है वैसे तो, इस तरह से। ये है मेरे पास झुमके, आपको गोल्ड में भी मिल जाएंगे, बहुत ही कॉमन डिज़ाइन होती है, और मतलब हर जगह ही होते ही है। ये एक है, देन इस तरह के है, ये भी इयररिंग्स है, और इसमें भी वही स्टोन है पिंक कलर का, इसका नाम मुझे नहीं पता, ये इसको कुछ नाम नहीं है शायद, बट ये जो डिज़ाइन होती है ना, ये एकदम ट्रेडिशनल है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। वैसे ही एक ये एक डिज़ाइन है, ये भी बहुत ही प्यारे लगते हैं, और ये ना मतलब किसी भी इसमें से देखिए, जैसे मैंने अभी आपको ये वाला सेट दिखाया था ना तनमणि का, इसके साथ इयररिंग्स नहीं मिले, अभी इसके साथ मैं आराम से ये वाली इयररिंग पेयर कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो स्टोन होते हैं ना, ये यही कलर होते हैं पर्ल एंड स्टोन में, ये आप इजीली मैच कर सकते हैं। ये एक है इयररिंग, और ये भी एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन है बिल्कुल, ये वाला। ये अभी जो हमने पहला शिंसा पेटी देखी थी ग्रीन कलर की, उसके ही जैसा है। जैसे कि ये सिंगल मतलब आप सिर्फ इयररिंग भी आपको मिल सकती है, आप इसको किसी के साथ भी पेयर कर सकते हैं। ये एक ये, देन ये इस तरह की ईयर चेन है, ये पर्ल में है, इस तरह से 3 लेयर्स, ये सिंगल लेयर डबल लेयर में आती है, मेरे पास 3 लेयर वाली है, मेरे पास 2 लेयर वाली भी है, सिंगल मुझे नहीं पसंद क्योंकि वो बालों में दिखता ही नहीं है। ये इस तरह का होता है, आप इयररिंग के साथ अटैच कर दीजिए, और इस तरह से इसको मैंने ये शायद मेरे नवरात्रि लुक में पहना था। हाँ, और ये जो अभी मैंने बुलबुल का जो मेकअप लुक क्रिएट किया ना फिर से, उसमें भी मैंने यही सेम मैंने ये पहना है, आपको वो लुक में ये अच्छे से दिख जाएगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग, ये चांदी का होता है, ये सिल्वर का है, इसको छल्ला कहते हैं, छल्ला। ये भी बहुत सारे मतलब ये भी कई जगह पर होता है, ये आपको कमर में लगाना होता है। ये साड़ी के साथ बहुत अच्छा दिखता है, और इसमें घुंघरू होते हैं, ये मेरा फेवरेट ज्वेलरी है, हम मराठी में दागीना कहते हैं, दागीना। ये भी वन ऑफ द फेवरेट दागीना है मेरा, और हाँ, जिसके बिना पहचान पूरी नहीं होती वो है हमारी नथ। ये है, ये मुझे मेरी शादी में मिली थी, ये गोल्ड की है, और इसमें आपको अलग अलग साइजेस भी मिल जाएंगी, जैसे एक मेरे पास आर्टिफिशियल भी है, ये बहुत छोटी सी है, और ये स्टोन की बनी है, बट ये इसका सिर्फ शेप ही ट्रेडिशनल है, स्टोन में नहीं होता है, ये मोती पर्ल, और वही सेम रेड एंड ग्रीन, मैं इसका पिक अटैच कर दूंगी साइड में कहीं यहाँ पर। ये रेड एंड ग्रीन, इसमें मोती भी रेड एंड ग्रीन होते हैं, और स्टोन भी पिंक, सॉरी पिंक एंड ग्रीन, मेरा पिंक वाला है। ये भी आपका पूरा आउटफिट के साथ और आपके बाकी ज्वेलरी के साथ ये मैच हो जाता है। ये है, इसके बाद एक इस तरह की भी नथ है मेरे पास, लेकिन जो टिपिकल ट्रेडिशनल है वो ये है मराठी, और
ये अभी थोड़े थोड़े वेरिएशंस जो आ रहे हैं या फिर टीवी सीरियल से ऐसे हो है ये, तो ये है म्हाळसा नथ, सो ये प्रेस, सो ये इस तरह से, देन ये है बानू नथ, सो ये भी इस तरह से, मैं इनकी पिक अटैच कर दूंगी। सो ये कुछ नथ के मेरे पास है। सो ये था मेरा कलेक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे ज्वेलरी है जो कि ट्रेडिशनल टिपिकल महाराष्ट्रियन है, लेकिन कुछ ऑर्नामेंट्स ऐसे हैं जो कि कुछ काल बाह्य यानी कि आउटडेटेड हो चुके हैं, सो हम वो नहीं खरीदते आजकल। जैसे कि एक प्रकार होता है, एक टाइप होता है बुगड़िया, बुगड़ी, जो कि यहाँ पहना जाता है। मेरे पास था एक्चुअली, पर वो ख़राब हो गया क्योंकि वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी थी, वो गोल्ड में वगैरह भी मिल जाएगा। सो जिसको यहाँ पर पहनते हैं। फिर पुरुषों का एक अलंकार होता है जिसे कहते हैं भीख बाड़ी, आपने शायद बाजीराव पेशवा मूवी में देखा होगा कि वो यहाँ से ऐसे बड़ा सा पहनते हैं। सो वो एक पुरुषों का अलंकार हो गया। फिर पायल हो गई जो पैरों में हम पहनते हैं, फिर मैरिड वुमन बिछिए पहनते हैं। बैंगल्स के भी कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि तोड़े, पाटल्या और नॉर्मल बांगड़े, मतलब नॉर्मल बैंगल्स। सो ये हर एक मराठी वुमेन के पास होते ही है, स्पेशली मैरिड वुमेन के पास ये सारे ज्वेलरी होती ही है। या और बालों की भी, मतलब जो जूड़ा बनाते हैं उसमें भी, उसका भी एक गोल्डन फूल मिलता है। अगर आपको रियल फ्लावर्स, ऐसे होता था पहले ज़माने में कि रियल फ्लावर्स जूड़े में लगाते थे, लेकिन अगर कभी आपको रियल फ्लावर्स ना मिले या फिर जो हाई स्टेटस वाली लेडीज़ होती थी वो सोने का चांदी का फूल उनके जूड़े में लगाती थी। तो ऐसे बहुत सारे जो कि अभी आउटडेटेड हो चुके हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी ज्वेलरीज है, बहुत रिच कल्चर है, सभी का होता है, हमारा भी है। मुझे आज मैंने आपके साथ मेरी ज्वेलरी शेयर की जो टिपिकल ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन मराठी ज्वेलरी थी। मुझे बहुत खुशी हुई ये सब शेयर करके आपके साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और इसी तरह से साड़ियों में भी कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे आपने सुना ही होगा पैठणी साड़ी, जिसके ऊपर मोर होते हैं, जिसके पल्लू के ऊपर मोर होते हैं। ये भी मतलब हर एक मराठी लड़की के पास एक, कम से कम एक पैठणी होती ही है। वो भी है मेरे पास, लेकिन अभी ये वीडियो ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा हो गया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं की है, बैंगल्स नहीं की है, कपड़े नहीं किए, पैठणी नहीं की है। तो अगर आपको मेरा साड़ी कलेक्शन देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं अगला वीडियो मेरे साड़ी कलेक्शन पे लेके आऊँगी। और मैंने बैंगल कलेक्शन मेरा शेयर किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।